अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके वालदैन को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज होने वाली NCOC की अहम मीटिंग जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो चुकी है। फैसला कर लिया गया है, बहुत अहम फैसले किए गए हैं। सारी तफसील इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो आपने कम्प्लीट देखनी है ताकि ये अहम अपडेट आप मिस ना करें। वीडियो को मैं मज़ीद आगे बढ़ाऊँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो बेल आइकन होता है इसको आपने ऑल पर प्रेस करना है। फिर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अहम न्यूज़ रियल अपडेट होगी वो बरवक्त आप तक पहुंचा दी जाएगी, और लाइक ज़रूर करना है आपने वीडियो को ताकि ऐसी अहम अपडेट्स आपको बरवक्त मिलती रहें। तो मैं आपको बताते चलूं कि आज जनाब शफकत महमूद जो कि वफाकी वज़ीर तालीम हैं उनकी ज़ेर सदारत ये अहम NCOC का इजलास हुआ, जिसमें फ़ैसला किया गया है कि आपके जो इम्तहानात हैं वो हर सूरत में लिए जाएंगे। तमाम जो SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए आपके जो इम्तहानात हैं उनको लेने का फ़ैसला कर लिया गया है इस मीटिंग के अंदर। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कब आपके इम्तिहान जो हैं उनका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा, और छुट्टियों के बारे में भी अहम अपडेट इस वीडियो में मौजूद है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने मुकम्मल देखना है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो 10 क्लास और 12 क्लास के बच्चे हैं उनके जो इम्तिहानात हैं जून के तीसरे हफ्ते से शुरू कर दिए जाएंगे, जिसका शेड्यूल और जो डेट शीट है वो भी जारी की जाएगी ऑफिशियली। इस अहम मीटिंग में ये फैसला हतमी कर लिया गया है। और दूसरा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये बताया गया है कि नतज में तखीर की सूरत में जो जामियात होंगी उनकी जानब से प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर आपको जो नेक्स्ट क्लासेज हैं उनमें दाखिला जो है वो मिलेगा। और जो छुट्टियां हैं उनके हवाले से भी अहम फैसला किया गया है इस इजलास में। जो मौसम गर्मा की तातीलात हैं उनका जो दुरानिया है वो कम किए जाने का फ़ैसला किया गया है, हतमी फ़ैसला सूबे जो हैं वो ख़ुद करेंगे। तो अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसमें आपको ये सबसे बड़ी खबर दी गई है इस NCOC मीटिंग के बाद के किसी को भी बग़ैर इम्तहान के प्रमोट इस साल नहीं किया जा रहा। ये अहम फैसला जो है NCOC की आज 24 मई की होने वाली मीटिंग में कर लिया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूं कि जो जनाब शफकत महमूद हैं इनकी जानिब से ये भी बताया गया है इस इजलास के ज़रिए कि सबसे पहले जो हैं वो 10 क्लास और 12 क्लास के पेपर्स होंगे, बाकी क्लासेस के जो पेपर्स हैं वो बाद में जो हैं वो लिए जाएंगे। तो मज़ीद जो भी अहम अपडेट आती है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये अहम बात जो है वो पता लग सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने। अल्लाह हाफिज़।